हाई गायस आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल गाइज इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग इम्पॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर फोर दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अकाउंट्स ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आई एस सी के सिलेबस में नहीं है इट्स इन द सिलेबस ऑफ सी बी एस सी तो आई एस सी आई एस सी के स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं दे कैन स्किप दिस वीडियो एंड मूव टू नेक्स्ट वीडियो दैट इज एडमिशन ठीक है तो अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चेंज इन तो बिफोर आई स्टार्ट जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और प्लीज इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि सारे बच्चों को कैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनको ये अच्छे से समझ आए चलो लेट स्टार्ट गाइस तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है दैट इज राका सीमा एंड महेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो फाइव इज टू थ्री इज टू विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड नाइनटीन दे म्यूचुअली अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसिज इन द रेशो टू इज टू टू इज टू वन दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ सॉल्यूशन हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का तो हमें आई राइट इन शॉर्ट आर एस एम सो आर एस एम सो राका सीमा एंड महेश की ओल्ड रेशो है सो ओल्ड रेशो इज फाइव इज टू थ्री इज टू टू और हमें न्यू दी हुई है इनकी टू इज टू टू इज टू वन हमें ओल्ड रेशो दी हुई है और हमें न्यू रेशो दी हुई है आगे ऑन द डेट देर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड ऑफ नाइंटी थाउजेंड इन दुक्स कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड बुक्स में नाइनटी थाउजेंड का इट वॉज अ ग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट सेवेंटी थाउजेंड ओके वैल्यूड गुडविल फर्म की है क्लेम फॉर वर्कमैन वॉज फोर्टी थाउजेंड प्रॉफिट ऑन रीव्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज अमाउंट्स टू फोर्टी थाउजेंड ठीक है अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वी विल हैव टू कैलकुलेट गेनिंग एंड सैक्रीफाइजिंग रेशियो तो गेनिंग एंड सैक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो आर एस एम तो मैं कैसे निकालता हूं गेनिंग सैक्रीफाइस रेशो मेरा एक ही फॉर्मूला है new ratio minus old ratio. Positive आया तो नेगेटिव आया तो sacrifice. तो मेरा जो फॉर्मूला है दैट मीन्स ये गेन है अगर मेरा आंसर नेगेटिव आया दैट मीन्स ये सैक्रीफाइस सिंपल लॉजिक है, है. नई रेशो अगर पुरानी से ज्यादा है दैट मीनस मेरा रेशो बढ़ रहा है तो मैं गेन कर रहा हूं और अगर नई रेशो पुरानी रेशो से कम है तो आंसर नेगेटिव आएगा दैट मीन्स मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ तो यहाँ पे न्यू रेशो है टू इज टू इज टू वन टू बाय फाइव ओल्ड रेशो है फाइव बाय टेन सो एल सी में ले लेता हूँ टेन तो फोर माइनस फाइव दिस इज माइनस वन बाई टेन नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स ये पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं एस का है टू बाय फाइव न्यू रेशो ओल्ड रेशो है थ्री बाय टेन एल सी एम टेन फोर माइनस थ्री वन बाय टेन ये पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स ये कर रहा है गेन और एम की न्यू रेशो है वन बाई फाइव ओल्ड रेशो थी टू बाय टेन एल सी एम टेन तो टू माइनस टू दैट मीन्स जीरो नीदर गेन नॉर सेक्रीफाइस तो आर यानी राका हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है और सीमा गेन कर रही है अब हम करेंगे इस क्वेश्चन की अपनी जर्नल एंट्रीज जल्दी से फॉर्मेट बनाते हैं इसका डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट इन रुपीस ठीक है तो सबसे पहली हमें करनी है गुडविल की एंट्री तो गुडविल ऑफ द फर्म इज सेवेंटी थाउजेंड गुडविल की जर्नल एंट्री क्या होती है वैल्यूड गुडविल की जर्नल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रीफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रीफाइसिंग पार्टनर तो एस यानी कि सीमा गेन कर रही है तो एंट्री विल बी सीमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू और आर सैक्रीफाइस कर रहा है तो टू रा का

ट मीन्स सेवन थाउजेंड ये हो गई मेरी गुडविल की एंट्री और इसके बाद तुम लिखोगे नरेशन तो ये है हमारी फर्स्ट एंट्री सेकेंड पार्ट अब सेकेंड की दो एंट्रीज होंगी तो सेकेंड का मैं ए और बी में करूंगा सेकेंड का ए पार्ट क्लेम फॉर वर्कमेन अमाउंट टू फोर्टी थाउजेंड अब देखो हमने जो रिजर्व बनाया था वो कितना बनाया था नाइन्टी और हमारा जो क्लेम है दैट मीन उस नाइनटी में से जो एक्चुअल लेवलिटी जो कन्फर्म हमें पे करनी है वो है फोर्टी तो वॉट वी डू जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा रिजर्व या फंड्स होते हैं हम वो पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट देते हैं हम ये बोलते हैं कि जितने भी एक्स्ट्रा रिजर्व्स हैं उन सबको पुराने पार्टनर्स को बांट के खत्म करो ठीक है लेकिन जब डब्ल्यू होता है इट्स अ स्पेसिफिक रिजर्व यहाँ पे हमने देखा कि आउट ऑफ दैट नाइनटी फोर्टी थाउजेंड तो हमारी कंफर्म लाइबिलिटी है जो हमें पे करनी पड़ेगी दैट मीनस हम इसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना रिजर्व बनाया था हमने नाइनटी थाउजेंड का इसमें से क्लेम कितना है फोर्टी थाउजेंड का क्लेम है तो टू क्लेम फॉर वर्कमैन

और टू महेश ऑफ़ कोर्स यहां पे कैपिटल अकाउंट भी आएगा इन ओल्ड रेशो ओल्ड रेशो इज फाइव इज टू थ्री इज टू टू दैट मीन्स टेन टोटल होता है टेन फिफ्टी थाउजेंड डिवाइड बाई टेन यानी फाइव थाउजेंड तो फाइव थाउजेंड इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड इंटू थ्री फिफ्टीन थाउजेंड फाइव थाउजेंड इंटू टू टेन थाउजेंड तो ये मैंने जो भी हमारा टोटल रिजर्व था उसमें से जितना क्लेम था वो क्लेम में चला गया और जो रिमेनिंग था वो मैंने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन देयर ओल्ड रेशो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने ये ओल्ड रेशो में ठीक है अब आता है उसके बाद हमारी इसकी अच्छा इसकी एक ही एंट्री होगी आई थॉट कि हमारा जो क्लेम था दैट क्लेम वॉज बिगर क्लेम ज़्यादा था और डब्ल्यू सी आर कम था मुझे ये लगा बट कोई बात नहीं हाँ एक ही एंट्री होगी अब आता है हमारा थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट इज प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज अमाउंट टू फोर्टी थाउजेंड सो प्रॉफिट ऑन रीव्यूएशन अब मैं इसको लॉजिकली बताता हूँ कुछ बच्चे ये सोचेंगे माइंड में कि प्रॉफिट आता है यहां पे लेफ्ट साइड पे दैट मींस री अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल विच इज राइट ये तरीका भी सही है लेकिन लॉजिकल तरीका क्या है ये मैंने एक अपनी जो क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के जो थे हमारे दैट इज फंडामेंटल वहां पर मैंने लॉजिक बताया था कि अगर हम पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करते हैं अगर हम यहां पे लिखते हैं दिस मच कैपिटल अकाउंट अगर हम कभी भी ऐसे लिखते हैं डेबिट दैट मीन्स हम जो कैपिटल है वो रिड्यूस कर रही है कम कर रहे हैं और अगर हम कैपिटल को क्रेडिट में लिखते हैं इफ़ वी राइट कैपिटल है दैट मीन्स अब कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं तो लॉजिकली अगर हम इस क्वेश्चन में देखें अगर पार्टनर को रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है फर्म को तो ये प्रॉफिट पार्टनर को मिलेगा दैट मीन्स पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी सो कैपिटल इंक्रीज करना मतलब क्रेडिट करना ये लॉजिक याद रखना कैपिटल इंक्रीज मतलब क्रेडिट कैपिटल डिक्रीज मतलब डेबिट तो यहां पे मैं कर दूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स दैट इज राका कैपिटल अकाउंट To SEMA capital account or to Mahesh capital account same in old ratio 5 is to 3 is to 2. So 40,000 will be distributed in 5 is to 3 is to 2. So 5, 3 or 2, 10. So 10 divide uh, 40,000 divided by 10 is 4000, 4000 into 5, 20,000, 4000 into 3, 12000, 4000 into 2.

क्वेश्चन नंबर टू दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू अब क्वेश्चन नंबर टू में क्या लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग एंड इन द टू वन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बहुत ध्यान से देखना सो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशन इज टू वन सो ए बी वन इज टू वन ऑन फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी टू They decide to share future profits and losses in the ratio 3 is to 1. So this is their old ratio. Or new ratio is 3 is to 1. On the date, goodwill appears in the balance sheet as 40,000. So 40,000 is the goodwill appears in the balance sheet. matlab ye hamari purchased goodwill. This is purchased goodwill. वी कॉल इट एग्जिस्टिंग गुडविल जो बैलेंस शीट में अपीयर करती है वो होती है परचेज गुडविल और जो वैल्यूड गुडविल होती है वो होती है हमारी फर्म की गुडविल तो यहां दिया हुआ है ऑन दिस स्टेट गुडविल अपीयर इन दी बैलेंस शीट इज फोर्टी थाउजेंड वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म इज वन लैख फर्म की गुडविल है इंपॉर्टेंट पॉइंट uh, है चेंज इन दैल्यू ऑफ गुडविल पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि जो यह डिस की बुक्स में गुडविल है हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते इसको बैलेंस शीट में एज इट इज रखना चाहते हैं तो ये एक स्पेसिफिक केस है इंपॉर्टेंट केस है कि वन पार्टनर्स डज नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट एनी एसिड और एनी रिजर्व अक्यूमलेटेड एंड एंडीशियस एसिड एंड देन विल हैपन इन दैट केस ठीक है तो यहां पे क्या होगा अब देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमें क्या करना है पास जर्नल एंट्रीज और दूसरा है पास एडजस्टमेंट एंट्री आई मेक इट एडजस्टमेंट एंट्री इट्स नॉट एंट्रीज इट्स एंट्री कि या तो हम इस गुडविल की अलग और इस गुडविल की अलग एंट्री करें या फिर हम एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करें तो मैं तुम्हें एक फॉमूला बता देता हूं फॉर्मुला क्या होता है वेन पार्टनर्स डज नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट वेन पार्टनर्स

प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वो हम इससे माइनस करते हैं और जो हमारी नेट वैल्यू आती है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन गेनिंग सैक्रिफाइजिंग रेशो वी डिस्ट्रीब्यूट इट इन गेनिंग सैक्रिफाइजिंग रेशो लॉजिक क्या है नॉर्मली हम क्या करते हैं इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं गुडविल एसेट बैलेंस होता है डेबिट तो खत्म करने के लिए क्रेडिट तो हम नॉर्मली क्या करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशो नॉर्मली तो फोर्टी थाउजेंड का ये ट्रीटमेंट होना था अगर ये लाइन ना लिखी होती जो मैंने हाईलाइट की हुई है अगर ये लाइन ना लिखी होती तो हम अपनी गुडविल को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते लेकिन क्वेश्चन में बोला गया पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड चेंज इन बुक वैल्यू मतलब हमें गुडविल को क्रेडिट नहीं करना गुडविल का कुछ भी नहीं करना हमें तो इन दैट केस अगर पार्टनर्स गुडविल के साथ साथ अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है वहां से ज्यादा क्लियर होगा पार्टनर्स नहीं चाहते कोई भी फालतू एसिड लेवलिटी डिस्ट्रीब्यूट करना इन दैट केस हम फ्री रिजर्व जो भी होते हैं हमारे माइनस करेंगे उसमें से जो भी फ्री एसिड्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं और एंड में जो भी वैल्यू आएगी उसको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अब इस क्वेश्चन में हमारे को कोई रिजर्व तो दिए नहीं हुए तो जो गुडविल अपीयर इन बुक्स है गुडविल पियर्स इन बुक दैट इज फोर्टी थाउजेंड यह हमें बोला गया कि हमें यह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना सो so जो नेट मेरी वैल्यू आ रही है वो फोर्टी थाउजेंड नेगेटिव आ रही है अब फोर्टी थाउजेंड नेगेटिव आ रही है और मैं इसको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में करूंगा तो यहां पर मेरी एंट्री जो है वो रिवर्स हो जाएगी नॉर्मल एंट्री क्या होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रीफाइजिंग पार्टनर नॉर्मल एंट्री मेरी ये होती है है ना लेकिन यहां पे ये आंसर नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली जब मैं किसी भी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मैं नेगेटिव तो यहां लिखूंगा नहीं तो मैं क्या करूंगा इस एंट्री को रिवर्स कर दूंगा आई विल राइट सैक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तुम्हें फोर मार्क का दे सकते हैं और बहुत सारे एट्टी परसेंट बच्चे या एट्टी तो नहीं चलो सिक्सटी परसेंट बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे तो गुडविल जो बुक्स में अपीयर कर रही है अगर हमें उसको बोला गया डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो हम एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की रिवर्स क्यों क्योंकि ये है नेगेटिव तो ये लॉजिक सबको पता होगा जैसे मैं वीडियोस बनाता हूं आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कि सबने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तभी वो इंपॉर्टेंट वीडियोस देख रहे हैं तो सबको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं अब मैं बताता हूँ हमें इस क्वेश्चन को करना कैसे इस क्वेश्चन में हम क्या क्या करेंगे फर्स्ट थिंग हमें जो क्वेश्चन में करना होता है लकुलेट गेनिंग सैक्रीफाइजिंग रेशो तो यहां पर आय कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सैक्रीफाइजिंग रेशो चलो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो करते हैं ए बी जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो थ्री बाय फोर माइनस वन बाय टू एल सी एम फोर थ्री माइनस टू दिस इज वन बाय फोर और ये है वन बाय फोर माइनस वन बाय टू एलसीएम फोर वन माइनस टू दैट इज माइनस वन बाय फोर तो ए कर रहा है गेन और बी कर रहा है सैक्रिफाइस ठीक है अब हम करेंगे अपनी जर्नल एंट्री अब ध्यान से देखना का इस जर्नल एंट्री मैं हेडिंग नहीं डाल रहा हूं यहां पे वो मैं पता सबको जर्नल एंट्रीज की तो जो ये फोर्टी थाउजेंड वाली एंट्री है मेरी दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी तो एग्जिस्टिंग एंट्री गुडविल की मैंने अभी एंट्री बताई थी कि अगर पार्टनर इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते जो भी चीज को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते उसको हम करते हैं गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रीफाइसिंग पार्टनर लेकिन ये गुडविल है एसेट है तो एसेट हमारा नेगेटिव में आएगा फोर्टी थाउजेंड तो हम इसको करेंगे सैक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर तो एंट्री विल बी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एस कैपिटल अकाउंट अमाउंट विल बी फोर्टी थाउजेंड जो है इंटू कंप्लीट गेन और सेक्रीफाइस सो दैट इज टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड सो यह होगी हमारी एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल जो फोर्टी थाउजेंड है इसकी और सेकेंड एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूड गुडविल तो वैल्यूड गुडविल को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मेरी जॉनल एंट्री क्या होगी तो वैल्यूड गुड विल है वन लाख, फार्मूला गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए गेन कर रहे सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट वन लाख, इन टू कंप्लीट गेन और सेक्रीफाइज तो वन बाय फोर दैट इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है गाइज सब कुछ समझ आई है एंट्रीज बिल्कुल सिंपल है ये चीज़ याद रखना कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट है जैसा मैंने बताया है बिल्कुल इस चीज़ को हमें ऐसे ही करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे इस क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है अब आता है पार्ट नंबर बी के पास एडजस्टमेंट एंट्री अब हमें बोला गया कि हमें दोनों एंट्री करने की बजाय हमें एक ही एंट्री पास करनी है तो जब भी हमें एडजस्टिंग एंट्री पास करनी होती है मैं एक फार्मूला लिखता हूँ वो फॉर्मूला सारे याद कर लेना जब भी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी हो हम उस सारी चीजों का आंसर निकाल के एक एंट्री पास करते हैं गेनिंग पार्टनर टू तो फॉर्मूला क्या है सब लिख लेना अगर नहीं आता तो आता है तो वेरी गुड फास्ट फॉरवर्ड कर देना तो वो फॉर्मूला हमारा है जितने भी हमारे फ्री रिजर्व्स हैं उसमें हम लेस करेंगे फ्री एसेट्स फ्री एसेट्स मतलब वो एसेट जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं और हमें बोला गया कि इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना दिस ऑल इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट ये वो वाले हैं कि ना तो हमें फ्री रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना हमें कोई भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं प्लस वैल्यूड गुडविल ऑफ फर्म जो फर्म की वैल्यूड गुडविल है वो हम यहां पे प्लस कर देंगे और प्लस माइनस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ तो प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे रीवैल्यूएशन लॉस ये कब होगा अगर हमें क्वेश्चन में बोला गया है ये दोनों चीजें तब आएंगी इफ रिटर्न पार्टनर्स डज नॉट वॉन्ट टू चेंज दी वैल्यू ऑफ एनी एसेट और लाइबिलिटी मतलब पार्टनर किसी भी एसेट लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते मतलब अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो भी उस एसेट को पुरानी वैल्यू पे ही दिखाना है किसी लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई है या बढ़ गई है तो उसको भी सेम वैल्यू पे दिखाना है मतलब जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट थी वो बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट रहेगी कहीं पे कोई चेंज नहीं आएगा तो उस केस में हमें एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी होती है जिसका फॉर्मूला होता है ये तो फॉर्मूला दोबारा मैं बताता फॉर्मूला जो हमें हमें डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट नहीं नहीं करने नहीं करने फ्री जो जो वैल्यूड गुडविल फर्म की है वो हम ऐड कर देंगे रिवैल्युएशन प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा रिवैल्यूशन लॉस है तो माइनस और ये जो हमारा आंसर आएगा ये जो वैल्यू आएगी वैल्यू इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग सेक्रीफाइस रेशों में

तो फ्री एसेट्स ये तो वैसे भी माइनस होते हैं फ्री एसेट्स प्लस मैं कर दूंगा वैल्यूड गुडविल ऑफ फर्म जो हमें दी हुई है वन लाख सो नेट मेरा आंसर आ रहा है सिक्सटी थाउजेंड पॉजिटिव सो एंट्री इज गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए गेन कर रहा है बी सेक्रीफाइस सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट अमाउंट थाउजेंड जो येड है इन गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो सिक्सटी थाउजेंड इन वन टू वन बाय फोर सिक्सटी थाउजेंड इन टू वन बाय फोर तो ये आ गया मेरा फिफ्टीन थाउजेंड तो ये हो गई मेरी एडजस्टमेंट एंट्री दिस इज पार्ट बी तो ये मुझे एंट्री करनी है एग्जाम में पॉइंट क्या है अगर तुम इन दोनों एंट्रीज को देखो और इन दोनों को कंबाइन करो बी डेबिट हो रहा है टेन थाउजेंड और ए यहां पे डेबिट हो रहा है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो नेट इफेक्ट ए मेरा डेबिट हो रहा है यही मेरी है एडजस्टिंग एंट्री ठीक है अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री इसका एक क्वेश्चन भी आगे आएगा वो मैं कराऊंगा अब इसको बहुत ध्यान से देखो और समझो अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो को दोबारा पॉज करो बैक करो और दोबारा देख लो लेकिन ये मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट कैन कम फॉर फोर मार्क्स और जैसा मैंने बताया था सिक्सटी परसेंट बच्चे ये क्वेश्चन गलत करके आएंगे ठीक है थीके? चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री विच इज

लेकिन इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से करना पड़ेगा कि ताकि तुम्हें पता चल जाए कि सारी की सारी एंट्रीज तुम इसमें क्या करोगे दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर फोर टू फाइव मार्क्स के एक मार्क की एक एंट्री होगी दिस कैन कम फॉर फोर टू फाइव मार्क्स अब इसमें हमेशा सबसे पहले हम क्या करते हैं हम निकालते हैं गेन और सेक्रीफाइस चलो तो दैट इज रानी ओ सॉरी राधिका बानी एंड चित्रा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो दैट मीन्स थ्री बाय सिक्स टू बाय सिक्स और वन बाय सिक्स माइनस ओल्ड रेशो टू बाय सिक्स थ्री बाय सिक्स एंड वन बाय सिक्स तो यहाँ पे एलसीएम so आ गया सिक्स तो थ्री माइनस टू वन बाय सिक्स पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स गेन सो यहाँ पर भी एल सिक्स टू माइनस थ्री माइनस वन बाय सिक्स तो नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स सैक्रिफाइस, तो ये तो आ रहा है नील दैट मीन्स ना गेन ना सैक्रिफाइस। बस अब क्वेश्चन में और कुछ नहीं है अब विल स्टार्ट डूइंग जर्नल एंट्रीज Sorry guys, थोड़ा सा जाती है मेरी ड्राइंग। सेम जैसे मैंने बताया था मैं हेडिंग नहीं लिख रहा हूं चलो अब आता है देखो सबसे पहले हमें क्या करना है हमें अपने जो भी फ्री रिजर्व होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस मतलब एसेट साइड पे फ्री रिजर्व है और बैलेंस इन जनरल रिजर्व सब कुछ हमारा याद रखना एवरीथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो एक्सेप्ट वैल्यूड गुडविल एंड आइटम्स नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ये याद रखना कि दो चीजें हमारी सेक्रीफाइसिंग <coughs> uh, दैट इज गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है कौन कौन सी वैल्यूड गुडविल जो होती है फर्म की और आइटम्स विच आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाकी सब कुछ हमारा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो यहाँ पर भी अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि हमें किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं करना तो सब कुछ ओल्ड रेशो में जाएगा तो सबसे पहले मेरी ए एंट्री क्या होगी प्रॉफिट एंड लॉस का है डेबिट बैलेंस यानी एसेट साइड पे एसेट का बैलेंस होता है डेबिट खत्म करने के लिए क्रेडिट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट दैट इज राधिका कैपिटल अकाउंट डेबिट बानी कैपिटल अकाउंट डेबिट चित्रा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज ट्वेंटी फोर थाउजेंड इन ओल्ड रेशो ओल्ड रेशो हमें क्वेश्चन में क्या थी टू इज टू थ्री टू वन टोटल इज सिक्स तो सिक्स को जब मैं इसे डिवाइड करूंगा सिक्स फोर जर ट्वेंटी फोर स फोर थाउजेंड फोर इंटू टू एट थाउजेंड फोर इंटू थ्री ट्वेल्व थाउजेंड फोर इंटू वन फोर थाउजेंड दिस इज लाइक शॉर्टकट ऑफ डूइंग दी एंट्रीज तो यहाँ नरेशन में लिख दूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस सेकेंड एंट्री जनरल रिजर्व हमारे हैं वन लाख फोर्टी फोर थाउजेंड के तो जनरल रिजर्व इज लाइबिलिटी खत्म करने लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट खत्म करने के लिए डेबिट तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राधिका कैपिटल टू बानी कैपिटल टू चित्रा कैपिटल सेम इन ओल्ड रेशो ओल्ड रेशो इज टू इज टू थ्री इज टू वन सो जनरल रिजर्व है हमारे वन फोर्टी फोर तो वन फोर्टी फोर डिवाइड बाई सिक्स अगेन सिक्स टू ओके ट्वेंटी फोर सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर सो ट्वेंटी हमारा आ गया सो 24,000 फोर थाउजेंड रेशो इज टू इज टू थ्री इज टू वन सो ट्वेंटी फोर 24,000 इंटू वन 72,000, 24,000 थाउजेंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड इंटू ये होगी हमारी जर्नल एंट्रीज ठीक है अब ये हमारी एंट्री होगी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी अब आती है गुडविल की एंट्री गुडविल की एंट्री।, एंट्री के बारे में हमें क्या पता था इट इज ऑलवेज वैल्यूड गुड विल इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग सैक्रीफाइसिंग रेशो तो गेनिंग सैक्रीफाइसिंग में आर यानी राधिका गेन कर रही है और बानी सैक्रीफाइस तो एंट्री विल बी राधिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बानी कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग सैक्रीफाइसिंग रेशो वैल्यू गुडविल फॉर्म की कितनी है है कितना टोटल गेन हो रहा है? तो राधिका गेन कर रही है 1 by 6. बानी कर रही है 1 by 6. तो सो so हमारी ये वाली एंट्री होगी अब लैंड एंड बिल्डिंग की डी पार्ट अब लैंड एंड बिल्डिंग की क्या एंट्री होगी देखो लैंड तो अगर मैं इसको री वैल्यूशन अकाउंट के तरीके से कराऊं री वैल्यूशन अकाउंट के तरीके से तो लैंड की वैल्यू पहले थी थ्री लाख अब होगी फोर एटी दैट मीन्स यहाँ पे आएगा बाय लैंड वन एटी जो मेरा बेनिफिट हुआ और दूसरा ये जो बेनिफिट है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो टू राधिका टू बानी टू चित्रा इन ओल्ड रेशो टू इज टू थ्री इज टू वन यही होता है री वैल्यूशन बनाएंगे हमारा लैंड पे फायदा हुआ और वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसी की एंट्री क्या होगी पहली लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन जैसा मैंने सबसे पहले चैप्टर में बताया था फंडामेंटल्स में हमेशा लेजर से एंटी क्लॉक वाइज हमारी जर्नल एंट्रीज होती है तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन देन रिवैल्यूएशन टू राधिका कैपिटल टू बानी कैपिटल टू चित्रा कैपिटल तो सिंपल जल्दी जल्दी से कर लेते हैं दिस विल बी यहां नरेशन देन डी लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्युएशन हमारा वन एटी का प्रॉफिट हुआ है और यह प्रॉफिट हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशो दैट मींस री अकाउंट डेबिट टू राधिका कैपिटल टू बानी कैपिटल टू चित्रा कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशो टू इज टू थ्री इज टू वन तो रिवेल्यूशन प्रॉफिट है वन एट्टी टू इज टू थ्री इज टू वन अगेन सिक्स थर्टी थ्री टू ज़ा सिक्सटी थ्री थ्री ज़ा नाइन्टी थ्री वन ज़ा थर्टी सो दीज विल बी जर्नल एंट्रीज हमें इसमें एंड में टोटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है बस हम यहाँ तक एंट्रीज करके छोड़ देंगे और यहाँ पे लास्ट में एक नरेशन इसकी आ जाएगी एक नरेशन इसकी आ जाएगी सो दिस इज हाउ व टू डू आर जर्नल एंट्रीज बहुत सिंपल है बिल्कुल मुश्किल नहीं है लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें सारी एंट्रीज कौन कौन सी करनी है एक भी एंट्री स्किप नहीं करनी गुडविल की एंट्री अगर कोई रिवैल्यूशन होता है उसकी दोनों एंट्रीज और जो हमारा फालतू एसेड मैं फालतू बोलता हूँ फ्री रिजर्व एंड एसेड की एंट्रीज ठीक है चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन है

पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट दर एग्जिस्टिंग वैल्यूज पार्टनर्स ने बोला कि हम सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को एग्जिस्टिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस टू बी कैरी डैट सेम वैल्यू मतलब पार्टनर्स ने बोला कि हमें कोई भी एसेट और किसी भी एसेट या किसी भी लाइबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं करना जनरल रिजर्व भी एज इट इज रहेंगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने प्रॉफिट एंड लॉस भी एज इट इज रहेंगे और ये जितने भी नॉर्मल हमारे एसिड लाइबिलिटी हैं इनमें भी कोई चेंज नहीं आएगा तो वी हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री एंड हमें एक रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर एडजस्टमेंट ठीक है तो तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें एक ये फॉर्मूला बताया था कि जब पार्टनर्स कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते जैसी चीजें बैलेंस शीट में है एज इट इज दिखाना चाहते हैं तो हम एक ये फॉर्मूले से वैल्यू निकालते हैं और इस वैल्यू से हम एक एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं अब यहां पे मैं वो फॉर्मूला लिखता हूं तो दिस इज हमारा क्वेश्चन नंबर फोर अब देखो वो फॉर्मूला मैंने बताया था ऑल फ्री रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड दैट मीन्स जनरल रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने एटी थाउजेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना थर्टी थाउजेंड वैल्यूड गुडविल ये भी इसमें ऐड हो जाएगी वैल्यूड गुडविल मुझे दी हुई है लाख लाख तो वन मेरी गुडविल यहां पे ऐड होगी जो होता जा रहा है मैं उस पर टिक करता जा रहा हूं ये तीनों चीजें हो गई कोई भी फ्री वाला एसेट जैसे गुडविल अपियरिंग इन बैलेंस शीट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कुछ भी नहीं है अब एक चीज हमें यहां पर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस देखना पड़ेगा सो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए हमें यहां पर रीवैल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा तो हम बनाते हैं सबसे पहले एक या तो तुम रीवेल्यूशन अकाउंट बना लो या फिर तुम सीधा सीधा रफ में भी एंट्रीज कर सकते हो कि एसेट से ये फायदा हुआ लाइबिलिटी से ये फायदा नुकसान हुआ दैट इज अप टू यू तुम चाहो तो सीधा सीधा क्योंकि हमें सीधा सीधा प्रॉफिट निकालना है तो यहां पे एक तरीका क्या है कैलकुलेशन ऑफ ये काम करते हैं ना हम रीवैल्यूशन अकाउंट ही बना लेते हैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करें है ना जो चीज हमें आती है उसी से करते हैं तो रिवैल्युएशन अकाउंट ये सारा याद रखना जो मैं कर रहा हूं, ये सारा वर्किंग नोट चल रहा है एंड तुम वर्किंग नोट क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बना सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई तुम्हारे नंबर नहीं काटेगा तो रीवैल्युएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अब सबसे पहले स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू ट्वेंटी स्टॉक पहले था मेरा टू लाख ,00 का अब हो गया टू ट्वेंटी थाउजेंड का प्रॉफिट दैट मींस बाय स्टॉक ट्वेंटी थाउजेंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिड्यूस्ड बाय टू थाउजेंड हमें अपना प्रोविजन कम करना है तो ये भी हमारा प्रॉफिट हो गया सो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू थाउजेंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय ट्वेंटी परसेंट फर्नीचर ट्वेंटी फर्नीचर था ट्वेंटी फर्नीचर कम करना है सो टू फर्नीचर टेन थाउजेंड कंप्यूटर्स टू बी रिड्यूस्ड टू टू सेवेंटी पहले कंप्यूटर थे थ्री लाख के अब हो गए टू सेवेंटी दैट मीन थर्टी थाउजेंड का लॉस टू कंप्यूटर्स थर्टी थाउजेंड सो अब अगर मैं टोटल करूं सो दिस इज फोर्टी थाउजेंड और यहां का टोटल का मारे ट्वेंटी टू थाउजेंड तो एटीन थाउजेंड का मेरा आ गया है बाय लॉस ऑन रीवैल्युएशन ये अभी मुझे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना क्यों क्योंकि रिवैलुएशन का सीधा सीधा लॉस जो है वो मैं यहां लिखूंगा मुझे और कुछ नहीं करना यहां पर ठीक है तो फोर्टी थाउजेंड तो मुझे पता चला री से लॉस है मेरा एटीन थाउजेंड का तो ये एटीन थाउजेंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो री लॉस जो कि यहाँ से माइनस हो जाएगा एटीन थाउजेंड तो नेट मेरी जो वैल्यू आएगी बाहर दैट विल बी लेट मी यूज दैलकुलेटर तो इट इज़ 80,000 थाउजेंड प्लस थर्टी प्लस वन लाख एट्टी वन थर्टी टू टैन टू टेन माइनस टेन टू लैख दैट मीन्स वन नाइनटी टू थाउजेंड तो वन नाइनटी टू थाउजेंड मेरी आ गई नेट वैल्यू तो ये मेरा है वर्किंग नोट अब मेरा एक और वर्किंग नोट है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग सैक्रिफाइजिंग रेशो गेनिंग सैक्रिफाइजिंग रेशो पार्टनर्स हैं ए टी ए अमर तरुण अखिल तो मैं पूरा लिखता हूं अमर तरुण अखिल न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो सो टू बाय फाइव 2 by 5, 1 by 5, minus old ratio 5 by 10, 3 by 10, 2 by 10. So this is 10 LCM. So 2, 4 minus 5, minus 1 by 10. That means sacrifice 10. So 5 two uh, 5 2 2 to 4. So 4 minus 3, 1 by 10. That means gain. और ये है टेन टू माइनस टू दैट मीन जीरो ना गेन ना लॉस तो ये सारे मेरे हैं वर्किंग नोट्स ये मैंने सारे बनाए अपने वर्किंग नोट्स पहले अपनी वैल्यू निकाल ली एक जिसकी मैं एडजस्टमेंट एंट्री पास करूंगा उसके लिए मुझे रीवैल्यूशन चाहिए था वो मैंने यहां से बना लिया और गेनिंग सेक्रीफाइजिंग रेशो निकाल ली अब मैं करूंगा इसका सॉल्यूशन सबसे पहले मैं बनाऊंगा अपनी एडजस्टिंग एंट्री राइट एडजस्टिंग एंट्री गाइज जैसा मैं कर रहा हूं एग्जाम में तुम्हें बिल्कुल ऐसा करना है तो अगर ये एट मार्क्स का आएगा तो तुम्हें पूरे पूरे एट मार्क्स मिलेंगे एक भी मार्क तुम्हारा कम नहीं होगा डेट पर्टिकुलर लेजरफोलियो डेबिट क्रेडिट अब एडजस्टिंग एंट्री मैंने बताया था गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और ये आंसर हमारा पॉजिटिव में आ रहा है तो गेन सेक्रीफाइस ही रहेगा अगर ये नेगेटिव आता मैंने बताया था तो हम एंट्री रिवर्स कर देते तो एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दैट मीन तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो टोटल वैल्यू मेरी आ रही है वन लाख नाइनटी टू थाउजेंड वन लाख नाइनटी टू थाउजेंड इन टू गेन वन बाय टेन तो नाइनटीन टू हंड्रेड और इसका भी आ जाएगा नाइनटीन टू हंड्रेड ये हो गई मेरी जर्नल एंट्री तो पहले जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ मैं उसको रब कर देता हूँ तो ये हो गई मेरी एडजस्टिंग एंट्री ठीक है अब मुझे बनाना है अपनी रिवाइज बैलेंस शीट अब देखो मैं बनाऊंगा यहां पे रिवाइज बैलेंस शीट तो सीधा सीधा आई आयल मेक यहां पे या सिंपल आई आयल राइट बैलेंस शीट एज ऑन फर्स्ट अप्रैल 2021 मतलब आफ्टर दी चेंज अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था मैंने बताया था कि हमें किसी भी एसेट या किसी भी लाइबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं करना वी आर नॉट रिक्वायर टू डू एनी चेंज तो मैं क्या करूंगा लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट मैं एज इट इज ये सारे एसेट्स कॉपी कर दूंगा एज इट इज ये सारी लाइबिलिटीज कॉपी कर दूंगा और जो मेरी एडजस्टमेंट एंट्री है इसका इफेक्ट मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में दिखाऊंगा वो मैं भी बताता हूँ कैसे तो मैं पहले सारे एसेट्स कॉपी कर देता हूँ मैं इसको पॉज कर देता हूँ वीडियो को आल राइट right, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो सो गाइस मैंने क्या किया मैंने जितने भी सारे एसेट्स थे और सारी लाइबिलिटीज थी वो मैंने कॉपी पेस्ट कर ली अभी यहाँ पे तुम तो मैं भी सोच रहे हो कि सर इन एसेट्स में तो चेंज हुए हैं कुछ एसेट्स में हमारा रीवैल्यूशन जो आपने बनाया था ये एसेट्स का और री जब आपने बनाया सिर्फ मैंने कैलकुलेशन के लिए करा है प्रॉपर एंट्री नहीं करी ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ठीक है तो क्वेश्चन में क्योंकि हमें बोला गया था कि पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी दी एसिड एंड लाइबिलिटीज एट देर एक्सिस्टिंग वैल्यू किसी चीज में कोई भी चेंज नहीं करना तो इसीलिए मैंने रिवैल्यूशन को वर्किंग नोट्स में बनाया तो मैंने और बैलेंस शीट जो बनाई है उसमें सब कुछ एज इट इज दिखा दिया किसी में कोई चेंज नहीं करा सिर्फ इस एडजस्टिंग एंट्री का इफेक्ट हम अपनी कैपिटल में दिखाएंगे तो जो मैंने लॉजिक बताया था वही सेम लॉजिक तरुण की कैपिटल डेबिट हो रही है डेबिट मतलब कैपिटल कम तो तरुण की कैपिटल 192 से कम हो जाएगी और अमर की कैपिटल क्रेडिट हो रही है दैट मीन्स अमर की कैपिटल वन टू से बढ़ जाएगी सिंपल लॉजिक तो मेरी अमर की कैपिटल कितनी आ गई अमर कैपिटल आ गई थ्री वन नाइन टू डबल जीरो तरुण की आ गई वन एटी माइनस वन टू सो दिस इज वन सिक्स जीरो एट डबल जीरो और ये आ रही है वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो ये आ गई मेरी इन सब की कैपिटल और टोटल जब मैं करूँगा इट विल टैली तो टोटल मैं फटाफट से कर लेता हूँ इस साइड का मेरा टोटल आ रहा है नाइन लाख क्योंकि बैलेंस शीट में जब कोई चेंज ही नहीं है तो पुराना वाला टोटली सेम हो जाएगा और यहाँ पे तुम लॉजिकली देखो कोई मैंने चेंज नहीं किया जितनी वैल्यू प्लस किया उतनी माइनस तो इसका भी टोटल नाइन लाख ही आना चाहिए मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ वन सिक्सटी प्लस थर्टी प्लस एट्टी प्लस थर्टी प्लस थ्री वन नाइन टू डबल जीरो प्लस वन सिक्स जीरो एट डबल ज़ीरो प्लस वन ट्वेंटी यस एग्जैक्टली नाइन लाख तो दिस इज हाउ सोल्यूशन वी हैव टू डू इन क्वेश्चन तो डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ठीक है तो ये है गाइज हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी तो क्वेश्चन तुम्हें करना ही है बट वो सिंपल क्वेश्चंस है वो तुम वैसे भी कर सकते हो ये थे थोड़े ट्रिकी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमें इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है कैसे कैसे अपनी बुक्स में इसको दिखाना है तो चैप्टर छोटा है इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है एडमिशन जो चैप्टर है उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और उसकी बहुत बड़ी वीडियो बनने वाली है ठीक है आई होप तुम सबको वीडियो पसंद आई हो, होगा प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप, स्कूल ग्रुप्स वगैरह में एंड अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो टू तो वॉच मोर वीडियोस चलो बाय गाइस टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम